है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने अपना सीना ताने मंदिर रुकना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने पढ़ते जाएं 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 पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी पानी 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 ये बदलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आई स्ट्रेट अवे वांट टू गो टू रणबीर आई वांट टू आस्क यू एक्चुअली आई डोंट थिंक बहुत लोगों को ये पता चलेगा जब वो टीवी पे एपिसोड देखेंगे हम एक्चुअली आरके स्टूडियोज में शूट कर रहे हैं एपिसोड और जो ये विजुअल्स दित्य और आशीष के पीछे चल रहे थे वो एक्चुअली एक सेट था जो यहीं लगा था जहां हम शूटिंग कर रहे हैं जहां हम शूटिंग कर रहे हैं तो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए यू नो टू सी दिस रिक्रिएटेड जब आपने ये जब डांस किया जब ये परफॉर्मेंस किया मेरे सामने वही फीलिंग आई जैसे आई गेस 60 इयर्स बिफोर जब लोग उनको शूट करके देख रहे थे वही वैसी फीलिंग आई मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिशतानी थैंक यू दित्या थैंक यू आशीष फॉर दिस थैंक यू सर अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर मी थैंक यू सर जो आपने ये वंडरफुल I mean, I don't know what to say. I'm getting speechless and really from deep, from bottom of my heart. Thank you. Thank you, sir. Hats off to you, choreographers. कहाँ कहाँ से क्या खा के तुम लोग ये thoughts सोचते हो समझ भी नहीं आ रहा मुझे. Really well choreographed. मेरा जूता है जापानी. Conceptualized. It was so beautiful. जिस तरीके से वो सारे dominoes गिरे और फिर कपूर साहब का जो फोटोग्राफ दिखा इट वाज सच अ ब्यूटीफुली लाइक अ मॉडर्न वर्जन ऑन हिज टेक एंड हिज सॉन्ग बहुत खूबसूरत लगा मुझे वेल डन मुझे ये परफॉर्मेंस सुपर से ऊपर वाला लगा थैंक यू मैम ऑल द वेरी गया नहीं तेरा नशीला बदन
हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही रात का नशा अभी आँख से गया नहीं रात का नशा अभी आँख से गया नहीं पहले अजय सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कैसा लगा आपको ये शॉकिंग मतलब कि ये जो नई जनरेशन है जी ये हम लोगों को शॉक कर देती है कि कैसे हो सकता है ये सेवर कैसे करते हैं और इस उम्र में इट्स रियली शॉकिंग आई हैव नो वर्ड्स हम लोग सोच भी नहीं सकते ये करने का इट्स रियली अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल हैट्स ऑफ ब्रिलियंट दादा आपने स्टैंडिंग ओवेशन दिया हाउ डिड यू लाइक इट बहुत ही कमाल और अनन्या तुम तो चौंका रही हो तुम्हारे के अंदर इतना रेंज है रियली अमेज्ड बहुत बढ़िया बख्शा तुम्हारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना मतलब आई थिंक इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन बाय कोरियोग्राफर्स टू यूज मलखम इन द एक्ट इट वाज अमेजिंग सुपर इन्होंने जो आज मूव्स किए वो एक बहुत ही प्रैक्टिस योगी के लिए भी बहुत मुश्किल है करना क्योंकि मलखम के साथ वो सारे एक्रोबैटिक्स करना जो उन्होंने नीचे भी किया ग्राउंड वर्क रियली वेल डन फैबुलस एक्ट थैंक यू मैम गीता मां इस एक्ट को करने के लिए मलखम को करने के लिए कोर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है ताकि आप मलखम के ऊपर चढ़ पाए आप पोजीशंस होल्ड कर पाएं तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह किया बोथ ऑफ यू ग्रेट शो ऑफ कोर स्ट्रेंथ ग्रेट शो ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डांसिंग एबिलिटी बहुत सारी चीजों का एक मिश्रण आपने किया और उससे आप दोनों का एक्ट बहुत अच्छा लगा तो इसी के साथ आप दोनों में से कौन जाएगा संडे सेकंड चांस में ये हमें पता चलेगा थोड़ी देर बाद फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़